हमारा देश कभी सोने के चिड़िया था और हमारे देश के लोगों का सोच और दिल दोनों को सिर्फ सोने के चिड़िया जैसा। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उसने देखा कि हमारे देश का लोगों का सोच जो था ना बहुत सीधा था। पहले हमारे देश के लोगों का सोच सीधा अच्छा और भोलापन बहुत ज्यादा था। आइए कविता के माध्यम से कुछ लाइनों को सुनते हैं। कभी सोने के चिड़िया वाला देश था हमारा, दूसरों को हेल्प करना कर्तव्य था हमारा। नफरत शब्द क्या होता है देश के डिक्शनरी में नहीं था हमारा। प्यार और शांति से मिलकर रहना कर्तव्य था हमारा। अंग्रेज हमारे देश में आकर हमारे देश को देश के लोगों को अपने कपटी दिमाग का यूज करके गुलाम बनाया। जानते हैं हम गुलाम क्यों बने? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं था, यूनिटी नहीं था। देश तो आजाद हो गया था लेकिन देश को कैसे चलाया जाएगा इसके लिए एक संविधान बनाया गया। इन लाइनों पर जरा ध्यान दीजिएगा। देश की हालत थी वह भी मजबूरी, अपने ही घरों में छिप कर रहना था मजबूरी। देश की बहादुर दिलाई थी आजादी, अब देश को चलाना है वह भी मजबूरी। कौन किसका सुनेगा यह भी है मजबूरी। सोचा कुछ महान लोगों ने, बनाते हैं संविधान, चलाएंगे हम देश को नए तरीके से और बनाएंगे महान। जातिवाद से भूलकर हम बनाएंगे एक संविधान, सबका साथ सबका विकास चलाएंगे हम अभियान। तीन रंग के तिरंगे को हम दिलाएंगे सम्मान, फिर से एक साथ मिलकर हम देश को बनाएंगे महान। जय जय।